हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जीटीयू का जो क्वेश्चन है वो भी स्केल का है और वो भी डायगोनल स्केल है। पहले डेटा पढ़ लेते हैं। द एक्चुअल लेंथ ऑफ 500 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ऑफ 15 सेंटीमीटर ऑन अ ड्राइंग। कंस्ट्रक्ट डायगोनल स्केल टू रीड अप टू 400 मीटर एंड मार्क ऑन द स्केल अ लेंथ ऑफ 349 मीटर। तो पहले मैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करता हूं। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मींस डायमेंशन ऑन द पेपर। तो डायमेंशन ऑन द पेपर कितना है? 15 सेंटीमीटर। और एक्चुअल डायमेंशन कितना है? 500 मीटर। तो ये हमारा आरएफ हो गया। एक्चुअल मींस में जो मैक्सिमम लेंथ मेजर करनी है वो 400 मीटर है। तो मैं लिख देता हूं, मैक्सिमम लेंथ जो मेजर करनी है वो है 400 मीटर। और ये दोनों पर से हमें पता चलेगा एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल, ALOS, एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल। तो ऐसे में डायरेक्ट लिख देता हूं, 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 500 मीटर मींस आरएफ मल्टीप्लाइड बाय 400 मीटर मैक्सिमम लेंथ। अभी मीटर मीटर कैंसिल, फिर ये दो जीरो भी गए, 5 3 15, तो 3 × 4 मीन्स 12, 3 × 4 12 सेंटीमीटर हमें वैल्यू मिली। मैक्सिमम लेंथ जो मेजर करनी है वो 400 मीटर है, तो 12 सेंटीमीटर की स्केल की लेंथ मिली। तो लेंथ आएगी 12 सेंटीमीटर। अभी यहां से हम प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। तो मैं 12 सेंटीमीटर लेंथ सिलेक्ट करता हूं। देखिए 12 सेंटीमीटर की लेंथ, और जो विड्थ है वो 10 के मल्टीपल में होनी चाहिए। तो मैं वो विड्थ ले रहा हूं 40 mm, 4 सेंटीमीटर 40 mm की लेंथ, 40 mm की विड्थ मैंने ले ली। ये 40 mm की विड्थ और ये लेंथ ऐसे है, तो स्केल रेक्टेंगल फॉर्म में तैयार हो गया है। अभी ये जो 12 सेंटीमीटर की लेंथ है उसके हमें कितने पार्ट्स बनाने पड़ेंगे? मैक्सिमम लेंथ 400 मीटर है तो मुझे 4 डिवीजन करने पड़ेंगे। तो 12 है तो 3 सेंटीमीटर का एक पार्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो वैसे 4 डिवीजन प्राइमरी स्केल के बन जाएंगे। ये पहला पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट एंड फोर्थ। यहां हम लिखेंगे 0, फिर ये डायमेंशन होगा 100 मीटर, फिर 200 मीटर, 300 मीटर और ये साइड 100 मीटर तो है ही। तो ये जो 100 मीटर है उसके भी हमें 10 डिवीजन करने पड़ेंगे। तो इसके 30 mm है तो 3 का एक डिवीजन होगा तो 1, तो वैसे करके हम 10 डिवीजन कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वैसे डिवीजन ऊपर भी बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये जो हाइट है उसके भी 10 डिवीजन करने पड़ेंगे, तो एक डिवीजन आएगा 4 mm का। तो 4 mm मैं यहां ले लेता हूं, 4 mm, 4 फिर 8 12 16 20, फिर 24 28 32 36 and 40, और ये सभी हॉरिजॉन्टल लाइन से हम ज्वाइन कर देंगे। डायगोनल स्केल ड्रॉ करना है तो ये लाइन सभी हॉरिजॉन्टली इक्वल पैरेलल लाइन बना के आप वैसे 10 डिवीजन कर दो हॉरिजॉन्टल लाइन से। आप डायमेंशनली ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट लाइनिंग मिलने वाली है, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8
9 और 10, तो 10 हो गए, ये 0, फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और यहां जो 100 है तो 100 का मल्टीप्लन मीन्स ये 10, ये 20, 10, 20, 30, वैसे करके यहां हमें 100 मिलेगा, और सेम यहां 0, ये 10, 20, 30, लास्ट में यहां 100 मिलेगा, तो 100 ये है, तो कुल मिला के 400 मीटर हुआ। लेकिन ये जब लाइन ज्वाइन करेंगे तब हम डायगोनली करेंगे, यहां का 0 और ये 10, ये बात आपको याद रखनी है, 0 इज ज्वाइन विथ फर्स्ट पार्ट, वैसे सभी लाइन डायगोनली मिलेगी इस तरह से। तो ये मैं सभी लाइन डायगोनली ज्वाइन कर देता हूं, ऐसे और बाद में हमें जो रिक्वायर्ड डायमेंशन चाहिए वो रिक्वायर्ड डायमेंशन है 349 मीटर। प्रॉब्लम है जो मेजर करना है वो है 349 मीटर। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 300 तो यहां पर है तो ये लाइन मिलेगी 300 वाली, 49 तो यहां मैं 40 वाला लाइन, ये 10, 20, 30 और 40 वाला पॉइंट पकड़ने वाला हूं, ये 40 वाला पॉइंट और फिर 9, तो ये 40 वाली लाइन पर जब मैं आगे बढ़ता हूं और 9 वाला पॉइंट आता है तो ये पॉइंट मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है, दिस पॉइंट, और यही पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर देता हूं। यहां से वर्टिकल लाइन तो ऑलरेडी है, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बनेगा वो हमारा रिक्वायर्ड डायमेंशन होगा 349 मीटर। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 349 मीटर है, 300 मीटर, फिर यहां मेरा 40 वाली लाइन, क्योंकि मैं लिख नहीं सकता क्योंकि स्पेस बहुत कम है, 10, 20, 30, तो फोर्थ पॉइंट पकड़िए, फोर्थ पॉइंट पर आगे बढ़ते बढ़ते 9 वाला जो पॉइंट हॉरिजॉन्टली है वो पॉइंट आपका 9 वाला हो जाएगा, तो 40 + 9 = 49 हो जाएगा। तो 349 मीटर इस तरह से हम डायमेंशन शो कर सकते हैं डायगोनल स्केल पर। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये मेथड समझ में आई होगी, कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीटीयू का कोई नया प्रॉब्लम लेके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।